हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन के बारे में। देखिए, ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी जगह पे डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का जरूरत पड़ता है। तीन स्टेप में हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे कि डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या होता है, उसके बाद में हम देखने वाले हैं डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन को कैलकुलेट करना, और उसके बाद में हम देखेंगे कि डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का एप्लीकेशन क्या क्या हो सकता है। देखिए, लास्ट में हम एक लाइन में इसको समराइज कर लेंगे इस पूरे टॉपिक को, लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। किसी भी कंपाउंड को ओपन चेन सेचुरेटेड कंपाउंड में बदलने के लिए जितने H2 मॉलिक्यूल की जरूरत होगी, उसी को हम डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन बोलेंगे। यहां पर देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2 हमें दिया हुआ है। इस कंपाउंड को हमें ओपन चेन सेचुरेटेड कंपाउंड में बदलना है। तो देखो, सेचुरेटेड कंपाउंड में बदलने के लिए हमें एक H2 मॉलिक्यूल इसको देना पड़ेगा, जिससे कि ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और CH3 यहां पर बन जाएगा। अगर हम यहां पर देखें तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 हमें दिया गया है। इसका मतलब यहां पर दो पाई बॉन्ड है। तो यहां पर जैसे ही हम दो मोल H2 के दे देंगे इसको, तो ये कंपाउंड ओपन चेन सेचुरेटेड कंपाउंड में बदल जाएगा। ये अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, ये सेचुरेटेड कंपाउंड है। अगर आप कभी सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड में फंस जाते हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि मल्टीपल बॉन्ड वाले कंपाउंड को या फिर रिंग वाले कंपाउंड को ओपन चेन सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड में बदलने के लिए जितने H2 मॉलिक्यूल की जरूरत होगी, उसी को हम डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन बोलते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, अगर एक पाई बॉन्ड है तो हम एक H2 मॉलिक्यूल देंगे, और उसका DU भी कितना हो जाएगा, इसका DU कितना हो जाएगा, DU हो जाएगा एक। और यहां पर आप देख सकते हैं, दो पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड ये और एक पाई बॉन्ड ये, इनको तोड़ने के लिए हमें दो मोल H2 के देने पड़ेंगे। तो इसका DU कितना हो जाएगा, इसका DU हो जाएगा दो। तो यहां से आपको एक लाइन ध्यान में रखनी है, एक पाई बॉन्ड की DU एक होती है, एक पाई बॉन्ड की DU एक होती है। देखिए, हमें यदि कोई रिंग दी हुई हो, तो रिंग का अगर हम एक बॉन्ड तोड़ दे, तो वो ऑटोमेटिकली ओपन चेन कंपाउंड में बदल जाता है। तो यहां से आपको क्या ध्यान में रखना है, एक रिंग की DU एक होती है। अभी तक हमें सिर्फ दो लाइन याद करनी है, एक पाई बॉन्ड की DU एक होती है और एक रिंग की DU एक होती है। इन्हीं दो लाइन से हमारा क्वेश्चन सोल्व होने वाला है। अब अपन बात करते हैं, यदि हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया जाए, तब हम कैसे DU निकालेंगे। यदि आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है और उसका आपको DU निकालना है, तब आप कैसे निकालोगे, C+1 - H+X - N/2। यहां पर C क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, H क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, X क्या है, नंबर ऑफ हेलोजन एटम, और N क्या है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन। कार्बन प्लस वन माइनस हाइड्रोजन प्लस एक्स माइनस नाइट्रोजन बटा दो, ये फॉर्मूला होता है यदि हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ हो और उसका हमें DU निकालना हो। तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन की तीन इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है, एक पाई बॉन्ड की DU एक होती है, एक रिंग की DU एक होती है, और अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है तो इस फॉर्मूले का यूज करके आपको डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालना है। अगर आपको इतनी चीज याद है, तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब अपन कुछ एग्जाम्पल करेंगे। यहां पर हमने दो एग्जाम्पल लिए हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे कि इनकी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितनी होगी। हमें पता है एक रिंग की DU एक होती है और एक पाई बॉन्ड की DU एक होती है। तो सबसे पहले हम इस कंपाउंड में देखेंगे कि कितनी रिंग है। एक रिंग तो हो गई है, एक ये वाली रिंग और एक ये वाली रिंग, तीन तो इसमें रिंग है। और अब काउंट कर लेंगे कि इसमें पाई बॉन्ड कितने होंगे, एक दो तीन चार, चार पाई बॉन्ड और तीन रिंग। तो इस कंपाउंड की DU कितनी हो जाएगी, सात हो जाएगी। जब भी आपको स्ट्रक्चर दी हुई हो, तब आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। अब अपन यहां पर बात करते हैं, यहां पर रिंग कितनी है, एक तो ये और एक ये, दो रिंग है यहां पर। और पाई बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड की बात करते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, दो यहां पर पाई बॉन्ड है, दो रिंग दो पाई बॉन्ड। तो इस कंपाउंड की DU कितनी हो जाएगी, इस कंपाउंड की DU होगी चार। इस प्रकार से जब भी आपको स्ट्रक्चर दी हुई हो, तब आप डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकाल सकते हैं। एक बात और आपको ध्यान में रखनी है, अगर आपको ऐसा दिया हुआ हो सी ट्रिपल बॉन्ड सी फिर मान लो ऐसे जुड़ा हुआ हो, तो आपको याद है एक पाई बॉन्ड की DU एक होती है। तो ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई बॉन्ड होते हैं, दो पाई बॉन्ड होते हैं। तो इसकी DU कितनी होगी, इसकी DU होगी दो। अब अपन बात करते हैं, अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया हो, तब अपन फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे।
हमें एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है C5H5N, इसका हमें DU फाइंड करना है। DU निकालने का फॉर्मूला मैंने इस तरफ मेंशन भी कर दिया है, तो हम देखो फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे। DU बराबर C+1, यहां पर कितने कार्बन है, पांच कार्बन है, तो 5+1- हाइड्रोजन कितने हैं, देख सकते हो यहां पर 5 हाइड्रोजन है, यहां पर हेलोजन कितने हैं, 0 हेलोजन है और नाइट्रोजन है 1, और बटे में क्या करना है, 2 करना है, तो 5+1 6 हो जाएगा। माइनस यहां पर आप देख सकते हैं 4/2 करेंगे तो यहां पर 2 आ जाएगा, तो हमारे पास में इसका डीयू कितना आ गया, इसका डीयू हमारे पास में आया है 4। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसे अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।